अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं बच्चे? ठीक ठाक हैं जी। आज हमने बाब चारम हदायत के सरचश्मे नबियों की दुनिया में आमद की रीडिंग करनी है। ठीक है जी, आज की हमारी रीडिंग है कि इंसानों को दीन की तालीम और अच्छी बातें सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने नबी और रसूल भेजे। बहुत से रसूलों के सहीफे दिए और चार रसूलों के को आसमानी किताबें दी गईं जिनमें अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए हदायत दी गईं। अल्लाह ताला ने अपने जिन पसंदीदा बंदों को नबूवत दी वो भी आम इंसानों की तरह ही थे। इनकी ज़रूरियात हमारी तरह थी। अल्लाह ने इन्हें अपने काम के लिए मुकर्रर किया था। जब वो लोगों को अच्छी बातें बताते तो बुरे लोग उनको बहुत सताते, मजाक उड़ाते, इन्हें झूठा और जादूगर कहते। आगे हैं बच्चों, किसी को भी अच्छी बातें और अच्छे काम सिखाना बहुत मुश्किल होता है। बुरी बात और बुरे काम तो हर इंसान फौरन सीख लेता है, लेकिन अच्छी बातें सीखने में वक्त लगता है। इसलिए दुनिया में कौमों को अच्छी बातें सिखाने के लिए रसूल और नबी आए। यहाँ तक आपकी रीडिंग है। ठीक है, डेट लगा लें आज की 20। और आगे नेक्स्ट हमने दो क्वेश्चन करने हैं जी। हमारा है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में अनबिया क्यों भेजे? इंसानों को साथ साथ आपने लिखना भी है, इंसानों को दीन की तालीम और अच्छी बातें सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे। ठीक है, अंबिया भेजे। ठीक है, अगर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसके लिए रहमत बना के भेजा? नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा गया। ठीक है, ये आज की आपका काम है। ठीक है, तो क्वेश्चन और ये आपने इसी वक्त में एक क्वेश्चन लिखना है। ठीक है बच्चों, ये वाला अल्लाह ताला ने दुनिया में अनबिया क्यों भेजे? ठीक हो गया, नीति का काम करना है।